साथियों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक मुलाकात कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों से, और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त की है और अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम हैं। ऐसे ही इस क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और लेखक श्री सतीश जैन जी से मुलाकात, और आपसे मुलाकात की है आपके मित्र गोपाल देवांगन ने। तो आइए हम मुलाकात करते हैं श्री सतीश जैन जी से। सतीश जैन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपके आने की शुरुआत किस तरीके से हुई और इसमें आपकी रुचि कब से जागृत हुई? इसमें रुचि मेरी बचपन से थी जी। बचपन से मैं फिल्म डायरेक्टर ही बनना चाहता था जी। तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया दुर्ग से जी। उसके बाद मैं मुंबई चला गया जी। वहाँ जाकर स्ट्रगल किया जी, असिस्टेंट डायरेक्टर बना। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार जी, उनका असिस्टेंट बना जी जी। फिर उसके बाद वहीं से मुझे फिल्में लिखनी मिल गई जी। फिर मैं फिल्में लिखने लगा जी। फिर गोविंदा के साथ बहुत सारी फिल्में लिखी मैंने। गोविंदा के लिए गोविंदा दोस्त था जी जी, उसकी फिल्में लिखी। फिर मैं फिर लगा यार मैं राइटर बन गया हूँ, मैं बनने आया डायरेक्टर जी। तो मैं सर्टिफिकेट में कोई फिल्म बनी नहीं थी जी जी, जो बनी थी बहुत साल 35 साल पहले बनी थी जी। मैं सोचा बना लेते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में, फिल्म बना लेते हैं जी। और उसमें अपना मेरी भाषा भी है, मेरी खुद की भाषा है। मुझे बनाना तो था एक नई नई छत्तीसगढ़ी फिल्म जी, क्योंकि उन्हें अभी करके मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म बना दी मोच में जी जी जी। तो सर, मोच ही हैं भूया से जैसे आपके इस छत्तीसगढ़ी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, इसके पहले आपका जो है मुंबई में काफ़ी अनुभव रहा है, तो इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बम्बई में बहुत काम किया जी, बहुत स्ट्रगल किया। बम्बई मेरे लिए कर्म नगरी है जी। वहाँ से मैं जो जो कुछ भी आज हूँ यहाँ पर बना हूँ जी, उसके वजह बम्बई है, मुंबई की इंडस्ट्री है जी। वहाँ पर जब मैं गया तो छत्तीसगढ़ से बस्तर में भानु प्रतापपुर का रहने वाला था, उसमें बस्तर जिला था, कांकेर जिला जी जी। तो भानु प्रतापपुर का रहना बस्तर का एक आदमी जी, और मुंबई चला जाए जहाँ कोई जान पहचान नहीं जी। वहाँ एक खान साहब थे, मेरे पहचान के थे, अंकल थे खान साहब, उन्होंने थोड़ी मदद की मुझे रहने आने के लिए जी। लेकिन वहाँ और कोई मुझे जानता पहचानता नहीं था जी। वहाँ जा करके अपनी जगह बनाना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राइटर बन जाना जी, और वो भी मतलब उनके मेन स्ट्रीम का राइटर बनना जी। वो बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत संघर्ष किया, वो संघर्ष ही है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ जी जी। तो जो आज के नौ युवक हैं सर, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जैसे मैंने पूरी ट्रेनिंग ली जी जी। और फिर बनाने की पूरी ट्रेनिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर बना कृति जी का, फिर काम सीखा जी। फिर फिल्में लिखनी थी तो मैंने खुद माधुरी और दूसरी पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया जी। सारी का एक मैगजीन आती थी उसमें लिखा काफ़ी मैंने जी। माधुरी में लिखा, धर्मयुग में लिखा जी। तो अब इस तरह से मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग ली, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आया फिल्म। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बिना किसी ट्रेनिंग के फिल्म बना रहे हैं जी, और सोचते हैं कि हमको सब पता है जी जी। क्योंकि वो होता है ऐसा नहीं, ये जब फिल्म रिलीज होती है तो पोल खुल जाता है उनका जी जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग नए आ रहे हैं जी, वो सीख के आए, क्योंकि मैं आज भी सीखता हूँ जी जी। जब मैं आज भी सीख सकता हूँ तो वो फिल्म बनाने से पहले सीखने में उनको शर्म की बात जी। सही बोल रहे हैं, सीखे अच्छे से, सीख के आए जी, और उसके बाद काम करें जी। ट्रेनिंग लेके जी। सर, आपकी फिल्मों में जो है ग्रामीण परिवेश जो है उसकी झलक दिखती है, सादगीपन दिखता है, एक अनुशासन दिखता है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए कि मैं बनाता हूँ छत्तीसगढ़ी फिल्म जी, छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म है ना जी जी। तो उसको जब मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाता हूँ तो छत्तीसगढ़ कहाँ बसता है जी? छत्तीसगढ़ हमारे गांव में बसता है जी सर, और हमारे जो ज़्यादातर दर्शक होते हैं वो गांव के जी, या गांव से आके शहरों में बसे हुए लोग होते हैं, वो जो लोग गाँव से आए कहीं किसी रूप से गाँव से जुड़े हुए। ठीक है। तो इसलिए मैं अगर मैं अपनी फिल्मों में गाँव की मिट्टी की खुशबू नहीं दिखाऊंगा जी तो लोगों को फिल्म पसंद नहीं आएगी जी, और गाँव की चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। गाँव का आत्मा, मेरी कहानी की जो आत्मा होगी वो गाँव की नहीं होगी जी, तो मेरे दर्शक ग्रामीण दर्शक जुड़ेंगे कैसे जी? इसलिए जी जैसा कहते भी हैं कि भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है, तो इसलिए ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होने के कारण हम लोग
आपकी फिल्मों में भी इसकी झलक देखने को मिली है। जी बहुत ही अच्छी बात है सर। ये सर हम ये कहें कि आपके फिल्मी जीवन की जैसे बात करते हैं हम, तो एक निर्माता, एक निर्देशक या एक लेखक के रूप में कौन सी ऐसी क्रम है जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं या जिनको सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं? सभी को महत्व देता हूँ जी, लेकिन फिल्म निर्देशन को सबसे ज़्यादा। राइटिंग बहुत बोरिंग चीज़ जी, मैं राइटिंग से बहुत बहुत बोर होता हूँ। लिखना मेरे लिए बहुत कठिन काम है जी, लेकिन मजबूरी है कि अच्छे राइटर नहीं मिलते तो खुद लिखना पड़ता है। मैं राइटिंग से पीछा छोड़ाना चाहता हूँ लेकिन राइटिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रही जी। तो है मज़ा तो डायरेक्शन में ही आता है, फिल्म डायरेक्शन में आता है। और डायरेक्शन में हर विधाओं का जी संगम है जी, हर तरह की जितनी कलाएँ होती हैं, जितनी विधाएँ होती हैं, उनका संगम है डायरेक्शन। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम है, इसमें आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास के लिए क्या अपेक्षाएँ रखते हैं? हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम है जी, हमारे क्या गांव में दर्शक ज्यादा है और गांव में सिनेमा करनी है। बहुत सारे गांव ऐसे बड़े बड़े गांव है जहां सिनेमा करनी है जी। तो हमारी सरकार से मांग भी है कि गांव में, उन ऐसे गांव में जहां सिनेमा करनी है वहां पर सिनेमा घर खोले, या जो बेरोजगार लड़के हैं उनको सब्सिडी दे सिनेमा घर बनाने, क्योंकि उनके लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उन लोगों को वहाँ पर गाँव के लोग जब हमारी फिल्में देखेंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी फिल्मों की रिकवरी नहीं होती, ज्यादातर फिल्मों की कमाई नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती, पैसा वापस नहीं आता जी। तो अगर सब जगह सिनेमाघर हो जाएंगे तो हम लोगों का पैसा रिकवर करने में आसानी हो जाएगी जी। अच्छा सर, मोर छैया भुइया इस फिल्म को बने हुए अभी लगभग 20 साल हो चुके हैं और आज भी वो फिल्म काफी लोकप्रिय है। आज भी आप सतीश जैन जी के नाम से काफी विख्यात हैं और ये जो है ये विख्यात, ये लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। तो पहली मूवी जो है कि छत्तीसगढ़ी मूवी मोर छैया भुइया, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान में? वो जो फिल्म है जी, वो फिल्म नहीं, ये देश का डॉक्यूमेंट है जी। उसमें फिल्म में बहुत सच्चाई है, बहुत हकीकत है। जो एजुकेशन सिस्टम पे मैंने कमियां उस समय दिखाई थी जी, वो आज भी है। जो बेरोजगारी की समस्या दिखाई थी वो आज भी है। उस समय भी मैंने दिखाया था कि लोग, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को नौकरी पे डिपेंडेंट बना देता है जी, आश्रित बना देता है नौकरी पे जी। अगर नौकरी पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर वो निठल्ले हो जाते हैं, किसी काम के लायक नहीं रह जाते, वो भी सरकारी नौकरी। तो हमारा जो एजुकेशन जी, हमारा एजुकेशन लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाता, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। जो मैंने छैया भुइया में दिखाई जी, वो समस्या आज तक बनी हुई, बल्कि आज और ज़्यादा विकराल रूप में वो समस्या आपके हमारे सामने खड़ी हुई जी। तो इसलिए वो सब्जेक्ट है वो कभी पुराना नहीं हो सकता। और किसानी की बात है, किसानी को लोग छोड़ रहे हैं, करना नहीं चाहते। जो नया जनरेशन है वो खेती किसानी करना नहीं चाहता, तो वो समस्या भी बनी हुई, वो उसी में दिखाई थी जी। वो हमारे गाँव की बहुत बड़ी बड़ी समस्या, पलायन करके लोग जाते हैं। फिर आज अभी देखो कोरोना टाइम पे क्या हुआ, वो हमारा एक गाना जो छैया भुइया छोड़ जवैया तय तिरावे सहारे जी, वो इतना सार्थक साबित हो गया। सही कह रहे हैं, लोग जो कोरोना में छोड़ छोड़ के अपनी मिट्टी से दूर चले गए थे, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, पंजाब जी, वो सब वापस आए जी। कोरोना हुआ, तकलीफ हुई, भूखे रहने की नौबत आई जी, तो सबको अपनी गाँव, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी की याद आई जी और वतन में आया। ये गाना वो गाना आज भी सार्थक है। सही होता है। अच्छा सर, आप जो है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों का भी निर्माण और निर्देशन करते हैं, तो दोनों भाषाओं की फिल्मों में से कौन सी भाषा में आप ज़्यादा अपने आप को सहज पाते हैं? मैं दोनों में सहज पाता हूँ, छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ जी। तो इससे छत्तीसगढ़ के साथ मैं बहुत कम्फर्टेबल रहता हूँ जी जी। लेकिन भोजपुरी के साथ एक इसलिए मजा आता है भोजपुरी में भी जी, क्योंकि जब मैं भोजपुरी में गया फिल्म बनाने, छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाने के बाद 5 साल पहले गया था फिल्म बनाने, तो मेरे लिए एक चैलेंज था जी। वहाँ पर छत्तीसगढ़ी के भोजपुरी के धुरंधर बड़े बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो लोग बोलते थे कि यार ये तो छत्तीसगढ़िया है, इसको क्या भोजपुरी कल्चर मालूम होगा, इसको भोजपुरी संस्कृति क्या जानेगा, ये कैसे बनाएगा जी। और मैंने फिल्म बनाई निरहुआ हिंदुस्तानी जी, छरा मूठा छाप का भोजपुरी वर्जन था जी। और जब वो फिल्म बनाई उस फिल्म में वहाँ पर भोजपुरी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड थे, क्या बात। तो और लोगों ने देखी और लोग देखने के बाद बोले सर आपने हमको हमारा कल्चर याद दिला दिया, ये उनका सेंटेंस था। ये 100% कहीं कोई
बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा जी जी। वो भोजपुरी लोगों का ये कहना था कि सतीश जी आपने हमको हमारा कल्चर याद दिला दिया जो हम भूल चुके थे फिल्मों में। हम नाच गाने रोमांस और साउथ की देसी फिल्में बनाते थे, आपने बता दिया कि कल्चर के साथ जुड़ी हुई फिल्म बनाने से भी पिक्चर बहुत चलती है। क्या बात है, साफ सुथरी फिल्म, बहुत अच्छी बात है। मैंने वहाँ पर साफ सुथरी फिल्मों का एक बयान देखा है, बहुत बहुत वर्गर फिल्में बनाती जी जी। मैं लेके आया, उसका असर है आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अब साफ सुथरी फिल्में बना रहे हैं जी। तो ये फर्क तो मैं लेके आया हूँ जी। ये बहुत ही अच्छी बात है सर कि आपने अपने फिल्मों के माध्यम से वहाँ के कल्चर को वापस लाया है और काफ़ी साफ सुथरी फिल्में जो है वो वहाँ पर चल रही हैं। तो सर आज आपने इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमने आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमने मुलाकात की आदरणीय श्री सतीश जैन जी से, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी विख्यात हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य क्षेत्र के हस्ती से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।